ये किसी शादी समारोह का भोजन नहीं चल रहा है, बल्कि एक कथा का भंडारा चल रहा है। शादियों की तर्ज पर बुफे सिस्टम में लोग अपनी अपनी थालियां लेकर भंडारे का आनंद ले रहे हैं। भंडारे में तंदूरी रोटी से लेकर शुद्ध घी से बने मिष्ठान भी मौजूद हैं। पूरी सब्जी, हलवा, दाल, चावल, सब कुछ यहाँ भक्तों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है। ये तस्वीर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आई है, जहाँ पर इन दिनों बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की 3 दिवसीय हनुमत कथा चल रही है। 19 मई से 21 मई तक आयोजित की जा रही इस हनुमत कथा में प्रतिदिन लाखों लोग पहुँच रहे हैं। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो कथा सुनने के बाद भंडारे का प्रसाद लेकर जाते हैं। इन भक्तों के लिए ही भंडारे की अनूठी व्यवस्था यहाँ की गई है। आमतौर पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की कथाओं में बड़े बड़े भंडारों का आयोजन तो होता ही है, लेकिन इस बार कुरुक्षेत्र में जो कथा की जा रही है उसमें भंडारे का ये आयोजन अनूठा और शानदार है। यह भंडारा प्रतिदिन रात्रि में 8 बजे से चलता है और फिर अनवरत चलता रहता है। कथा के उपरांत अनेक भक्त इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर यहाँ से जाते हैं। जी भैया, महेंद्र सिंह कैटर्स की तरफ से जी। किस तरह की सेवा दी जा रही है आपने? भंडारा लगाया जा रहा है बागेश्वर सरकार धाम की सेवा में जी। यहाँ पर बागेश्वर सरकार की कथा चल रही है, तो कितने लोग भंडारे की व्यवस्था की गई, क्या क्या प्रसाद खिला रहे हैं? आज हमने 20,000 से 25,000 आदमी की भंडारे की सेवा की है जी, और इसमें हमने हलवा बनाया जी, पूरी आलू की सब्जी है जी, कढ़ी है, चावल है जी, और तंदूर की रोटी है जी। यहाँ पर देख रहा है बफे सिस्टम, शादियों में हाँ जी, हमने 20,000 मतलब क्रोकरी का प्रबंध कर रखा है जी, तो उसमें प्लेट सिस्टम बफे लगा रखा है जी हमने, तो उसमें हम हमारे 300 वर्कर काम कर रहे हैं जी। क्या कहेंगे सरकार आपके नगर में आए, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत खुशी है जी, जो पहली बार आए हैं हमारे यहाँ पर जी, बहुत बहुत खुशी है जी। कितने एरिए में आपकी किचन बनी हुई है खाना बनाने वाली? हमारी जी 100 बाई जी, 1000 में जी। क्या कहेंगे कल हमारे, कल क्या संख्या बन सकती है? 50,000 से 60,000 आदमी की तैयारी है जी हमारी, इससे ज्यादा भी हम बनाएंगे जी। कल क्या बनाया जाएगा मिठाई? कल हलवा बनाया जाएगा जी, देसी घी का जी, और जी पेठे की सब्जी है जी, पूरी है जी, और जी दाल है जी, तंदूर की रोटी है जी, पूरी है जी,